मुद्दा वो बनाए, हम हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के पहले कमलनाथ जी जरा इतिहास पढ़ लेना, इतनी सी प्रार्थना है। आपको जो तीसरा बेटा कहती थी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी, करपात्री जी महाराज पे इसी गऊ के ऊपर आंदोलन करते हुए गोलियां चलवाई थी उनने, सैकड़ों साधु संत मर गए थे। आपके मित्र जिन्हें जोड़ी कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की सारी गौचर की भूमि को उनने खुर्द बुर्द कर दिया था, नाम मात्र से के लिए गौचर छोड़ा था। अब जब गौचर ही नहीं रहेगा तो गौ कहां जाएगी, ये पाप किया है दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, गौचर की भूमि को खुर्द बुर्द करके गाय को सड़क पर लाने का पाप। मुद्दा वो बनाए, हम हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के पहले कमलनाथ जी जरा इतिहास पढ़ लेना, इतनी सी प्रार्थना है। आपको जो तीसरा बेटा कहती थी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी, करपात्री जी महाराज पे इसी गऊ के ऊपर आंदोलन करते हुए गोलियां चलवाई थी उनने, सैकड़ों साधु संत मर गए थे। आपके मित्र जिन्हें जोड़ी कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की सारी गौचर की भूमि को उनने खुर्द बुर्द कर दिया था, नाम मात्र से के लिए गौचर छोड़ा था। अब जब गौचर ही नहीं रहेगा तो गऊ कहां जाएगी, ये पाप किया है दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, गौचर की भूमि को खुर्द बुर्द करके गाय को सड़क पर लाने का पाप। मुद्दा वो बनाए, हम हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के पहले कमलनाथ जी जरा इतिहास पढ़ लेना, इतनी सी प्रार्थना है। आपको जो तीसरा बेटा कहती थी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी, करपात्री जी महाराज पे इसी गऊ के ऊपर आंदोलन करते हुए गोलियां चलवाई थी उनने, सैकड़ों साधु संत मर गए थे। आपके मित्र जिन्हें जोड़ी कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की सारी गौचर की भूमि को उनने खुर्द बुर्द कर दिया था, नाम मात्र से के लिए गौचर छोड़ा था। अब जब गौचर ही नहीं रहेगा तो गऊ कहां जाएगी, ये पाप किया है दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, गौचर की भूमि को खुर्द बुर्द करके गाय को सड़क पर लाने का पाप। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।